जय हिंद एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में कुछ नया आप देखने वाले हो। बेसिकली हॉर्स राइडिंग एंड फार्म टूर्स तो आपने सारा देख ही लिया है, लेकिन आज हम दिखाने वाले हैं आपको किस तरीके से हमने हॉर्सेस को नहलाते हैं, कैसे उनकी केयर करते हैं। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि हमारा जो सिकंदर है, सिकंदर को सबसे पहले नहलाया है क्योंकि बहुत ही सीधा बच्चा है ये। आप देख पाओगे कि इसको नहलाते समय कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना किसी रस्सी के इसको खड़ा करा हुआ है और ये बिना किसी सपोर्ट के खड़ा रहेगा, हिलता भी नहीं है। और हम नहलाने के लिए एक जेट स्प्रे जेट का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि अच्छे से सफाई जानवर की हो जाती है। कई और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये कि पानी बहुत कम वेस्ट होता है। जैसा कि देहरादून में पानी का थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो वी ऑलवेज ट्राई टू सेव वाटर। सो एक बाल्टी पानी से बहुत अच्छे तरीके से हम अपने एक पेट को साफ के नहला पाते हैं इस प्रेशर के थ्रू, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पानी यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये उनको नहलाने के लिए, और सारी गंदगी भी निकल जाती है। अभी बगीरा का नंबर है, बगीरा अभी छोटा है, एज में 10 महीने का है, तो बहुत ही ज़्यादा शैतान है। मतलब जो शैतान वाले बच्चे होते हैं ना, उनमें से एक है। सो शैतानी की वजह से इसको संभालना पड़ता है थोड़ा सा, अभी ये इतना ट्रेंड नहीं है। सो इसके बाद मैंने बगीरा को नहलाया। आज मैंने सारे पेट्स को खुद से नहलाया, हालांकि ऐसा मैं डेली नहीं कर पाता हूँ। हफ्ते में एक दिन ऐसा मैं कंपलसरी है मेरा करना, क्योंकि उससे मेरे को पता चल जाता है किसी पेट को कोई बीमारी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। आज फार्म पे बहुत सारे लोग मिलने भी आए थे, विजिट करने के लिए आए थे, तो आप देख पाएंगे पीछे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि कमेंट बॉक्स में, सर गायें भी आप फार्म पर लेके आओ। ऑलरेडी हमारे फार्म पे गायें हैं, और एक नहीं दो हैं बेसिकली, एक एक बच्ची है और एक इसकी माँ है। हालांकि अभी इसकी माँ दूध नहीं देती है, अभी 2-3 महीने बाद दोबारा से देना स्टार्ट करेगी। एंड ये हमारी दो गायें हैं। सो गायों की भी आज नहलाई, इनको नहलाया गया, सारी साफ़ सफाई करेगी। छोटी सी बच्ची है, मेरे ख्याल से अभी 8-9 महीने की इसकी उम्र रही होगी इस बच्ची की, बहुत जल्दी ये भी फिर बड़ी गायें बन जाएगी। एंड साथ ही साथ जो इसकी मदर है, बहुत ही प्यारी गाय है, मतलब उसका दूध बहुत ही ज़बरदस्त है, और मेरे घर पे उसी का दूध यूज़ होता है, उसी पे स्पेशली हम दूध पीते हैं उसी का, गाय का। और इस वीडियो में मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि जेट का इस आवाज़ बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से ड्यूरिंग द वीडियो बोलना पॉसिबल नहीं था। ये हमारी गाय है, एंड लंपी वायरस के दौरान इसको लंपी वायरस हो गया था, हालांकि हमने बिना किसी मेडिकेशन के इसको बचा लिया। उस टाइम पे हमने इसको नीम के पत्ते, गिलोय, बहुत सारी सी देसी मेडिसिंस दी। सो लंपी वायरस आपके बारे में आपको पता होगा, बहुत सारी गायें उसमें मर गई थी। तो जो आपको ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स, घाव जैसे दिख रहे हैं इसकी बॉडी पर, लंपी वायरस के दौरान की ही है। एंड ये हमारी मेयर बेला, जो सबसे सुंदर सबसे प्यारी होड़ी है हमारे फार्म की, जो किसी को भी राइड करा सकती है। इसके ऊपर आप 2 साल से लेके और 60 साल तक के व्यक्ति को बैठा दो, तो जैसा बंदा ऊपर बैठा होता है उसी हिसाब से परफॉर्म करती है। सो सभी पेट्स हमारे नहा लिए, गायें भी नहा ली, सब गाय की बछड़ी भी नहा ली। आज सारे पेट्स को मैंने खुद ही पसंद नहलाया, हालांकि मैं डेली नहीं नहला पाता हूँ। डेली जो हमारा स्टाफ है फार्म पे नहलाता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन मैं ज़रूर ऐसा करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ किस तरह के व्लॉग्स आपको आगे चाहिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।